हेलो गाइस, मैं हूं आपको भाई करण कुमार। यहां पर आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में आपको दो दो मल्टीमीटर दिख रहे हैं। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा स्टार्ट में कौन सा मल्टीमीटर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया था, करण भाई ये बताइए मैं मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहा हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो स्टार्ट में कौन सा मल्टीमीटर खरीदे। तो गाइस यहाँ पर देखो, स्टार्ट में आप लोग ये वाला मल्टीमीटर ले सकते हो गाइस, उसके बाद फिर आप लोगों को ये वाला मल्टीमीटर लेना। गाइस यहाँ पर प्राइस की हम लोग बात करेंगे, जो आपको दो मल्टीमीटर दिख रहा है ये आपको 150 का मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 300 से 400 का, थोड़ा अंतर आ गया ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें लाइट भी दे रखी है। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और गाइस कुछ भाई ये कमेंट किया करते हैं, करण भाई ये बताइए मैं पहले पीले वाला मल्टीमीटर यूज कर रहा था, वो खराब हो गया है, क्या उसे रिपेयर करके बना सकते हैं? बिल्कुल बन जाएंगे गाइस, अभी आपको सब कुछ बताऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। जो भाई मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो घर पे बिल्कुल फ्री कोर्स, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं लगता। और लाइक कर देना, जो बेलाइकन घंटी होती है उसे आपको ऑल पे टिक कर देना। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ये मल्टीमीटर खराब क्यों होता है। यहाँ पर आप लोग देखोगे ना गाइस, यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग डीसी वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग डीसी वोल्टेज चेक करते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग रेजिस्टेंस चेक करते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग सप्लाई अप्लाई चेक करते हैं, और ये दोनों ऑप्शन का कोई भी यूज नहीं होता। और यहाँ से हम लोग एम्पीयर चेक करते हैं गाइस। यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग बिजली वाला करंट चेक करते हैं, एसी वाला। अब गाइस आप लोग गलती क्या करते हो, जो मल्टीमीटर खराब क्यों होता है, क्योंकि जल्दी से ये खराब नहीं होता। देखो गाइस, जैसे आप लोग बैटरी का वोल्टेज चेक करते हो ठीक है, बैटरी का वोल्टेज आप लोग जैसे यहाँ पे चेक करते हो, तो स्विच आप लोग घुमा के ऐसे DC20 पे कर लेते हो, आप लोग कभी कभी इधर के स्विच घुमा देते हो। देखो यहाँ पर बिजली वाले करंट पे रख देते हो, जो ये मल्टीमीटर है इसकी जो स्विच है यहाँ पर एसी पे रख देते हो, फिर चेक करते हो, तभी मल्टीमीटर खराब होता है। तो गाइस आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप लोग चेक करें, कुछ भी चेक करें, तो आप लोग ध्यान पूर्वक स्विच को घुमाकर चेक करेंगे, आपको मल्टीमीटर कभी भी खराब नहीं होगा। गाइस ये जो मेरा मल्टीमीटर है कभी भी खराब नहीं हुआ गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो स्विच है जहां पर चेक करना होता है, ये स्विच को मैं घुमाकर वहीं पर सेट करता हूँ गाइस। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है इसके अंदर जो 9 वोल्ट की बैटरी लगती है गाइस, वो डिस्चार्ज हो जाती है, उस कारण जो आपका मल्टीमीटर रहता है अच्छी तरह से काम नहीं करता, आप लोग सोचते हो खराब हो चुका है गाइस, आपको दिखा देना चाहते हैं ठीक है। और गाइस जो ये मल्टीमीटर के वायर है गाइस, ये आसानी के साथ मिल जाते हैं गाइस, 20 या 30 रुपए मिल जाते हैं। जहां पर आप लोग मोबाइल फोन की सामान लाते हो वहां पर चले जाइए, कह दीजिए हमें मल्टीमीटर का वायर दे दीजिए, तो आपको दे देंगे, 20 या 30 रुपए का मिलता है गाइस, तो आप लोग ध्यान रखना गाइस ठीक है। और इसकी बैटरी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसकी बैटरी चेंज हो जाती है गाइस। तो सबसे पहले हम लोग पहले ये मल्टीमीटर के वायर दोनों निकाल लेंगे, ऐसे करके मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पर देखो ये ऐसे खुलेगा, यहाँ पर खोल लेते हैं, आपको सब कुछ बताता हूँ गाइस ठीक है। इसकी बैटरी भी आपको 10 रुपए 15 रुपए की मिल जाती है, 9 वोल्ट की बैटरी आती है, तो ये खराब नहीं है मल्टीमीटर गाइस, मगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ खोलकर सब कुछ बता देना चाहते हैं, जो भाई कमेंट किया करते हैं करण भाई मेरा मल्टीमीटर खराब हो चुका है, स्टार्ट में कौन सा मल्टीमीटर खरीदें, तो आप लोग इसे खरीद सकते हो ठीक है गाइस। और यहाँ पर जो भी भाई कमेंट करते हो आपको हर एक वीडियो देखने को मिलेगी, आप लोग ये मत सोचना मैंने कमेंट किया था करण भाई उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा है, बनाऊंगा गाइस। यहाँ पर देखो मैंने इसे खोल लिया है, ये हमारी जो बैटरी है 9 वोल्ट की गाइस, 10 रुपए 15 रुपए की मिल जाएगी ठीक है गाइस। और यहाँ पर कुछ भी खराब नहीं होता, जब आप लोग अच्छी तरह से काम करोगे ना, इसकी जो स्विच है जहाँ पर आप लोग चेक कर रहे हैं उसी के हिसाब से सेट करोगे, तो कभी खराब नहीं होगा। जब आप लोग यहाँ पर बिजली वाले करंट पे सेट कर देते हैं स्विच को और चेक करते हुए गाइस, तभी ये खराब होता है, तो आप लोग ध्यान रखना गाइस ठीक है। तो ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उस कारण जो आप लोगों को मल्टीमीटर का काम नहीं करता है, तो इसे मैं कर देता हूँ गाइस। तो फिर मैं बात करूंगा ये वाला जो अच्छा वाला थोड़ा मल्टीमीटर है, वहाँ पर डिस्प्ले भी दे रखी है इस मल्टीमीटर में, सब कुछ आपको दिखाता हूँ गाइस। और प्लीज गाइस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, आप लोग जानते हो, करण भाई कुछ भी सिखाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, मैं फेक नहीं बताता हूँ, क्योंकि आप लोग यार एक मेरे यूट्यूब फैमिली हो, मेरे साथ जुड़े हो, और आप लोग घर पर मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हो, तो आपको यहाँ पर सीखने को स्टेप बाय स्टेप मिलना चाहिए ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो ये मैंने इसको कष्ट दिया गाइस ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये जो मल्टीमीटर है इसमें क्या अंतर है। देखो गाइस सबसे पहला अंतर क्या क्या है, इसमें लाइट जलेगी, यहाँ पर जब आप लोग इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर लाइट जलेगी। देखो गाइस यहाँ पे लाइट जल रही है, आप लोग देख लो, ये अंतर है गाइस ठीक है, लाइट जलेगी। और गाइस ये जो मल्टीमीटर है जल्दी से खराब नहीं होता है। अब यहाँ पर भी आप लोग जैसे ये स्विच है बिजली वाले करंट पे रख दोगे और चेक करते हो बैटरी का वोल्टेज, ये खराब हो जाएगी। तो आप लोग जब भी काम करें उसी के हिसाब से आपको स्विच को घुमाकर चेक कर लेना है गाइस ठीक है। आपको नहीं पता है मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं गाइस, मेरे चैनल पे वीडियो पढ़ेंगे गाइस, आप लोग जाके देख लेना, या आप लोग कमेंट करोगे तो मैं एक वीडियो और बना के अपलोड कर दूंगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस मल्टीमीटर की प्राइस गाइस। ये जो मल्टीमीटर है मुझे 350 रुपए का पड़ा था, मैं अपने सिटी गया था, फतेहपुर मेरी सिटी पड़ती है, वहां पर
मैंने इसे खरीदा था गाइस, ठीक है। तो आप लोग भी गाइस जैसे ये मल्टीमीटर को खरीदना चाहते हो तो आप लोग इसे खरीद लीजिए, ये कभी भी खराब नहीं होगा, जल्दी से खराब नहीं हुआ गाइस। ये जो पीला वाला मल्टीमीटर है दो बार खराब हो चुके गाइस। ये जो मल्टीमीटर है थोड़ा महंगा है मगर अच्छा है, इसमें लाइट भी आपको दिया जाता है गाइस। देखो लाइट, जैसे आप लोग अंधेरे पे चेक करना चाहते हो तो कहीं रात में, तो आप लोग लाइट भी जलाकर चेक कर सकते हो। और बैटरी इसमें सेम लगती है, कोई भी मल्टीमीटर सेम बैटरी रहेगी, सभी मल्टीमीटर में 9 वोल्ट की बैटरी लगती है गाइस। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया मल्टीमीटर क्यों खराब होता है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक काम करोगे तो कभी भी मल्टीमीटर खराब नहीं होगा। तो आप लोग चाहे ये वाला मल्टीमीटर खरीद सकते हो या आप लोग ये वाला खरीद सकते हो, ये थोड़ा सस्ता मिलेगा थोड़ा महंगा। और गाइस इसमें एक बात और है, देखो ये स्टैंड है, इसमें आप लोग ऐसे रख के भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, थोड़ा अंतर है। और इसकी भी वायर आप लोग यहाँ पर देख लो, ठीक है, ये वायर कट जाती है तो आप लोग मार्केट में जाइए वहां पर नई वायर ला सकते हो गाइस। इस प्रकार हम लोग मल्टीमीटर को रिपेयर करते हैं, बनाते हैं।